सो हाय एवरीवन, अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने ESIC के UDC और स्टेनो के लिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ को अपलोड किया था, जिसमें MTS का कट ऑफ ऐड करना बाकी रह गया था। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर सेशन में हम MTS के कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे और UDC के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट, फाइनल कट ऑफ कितना गया था CBT 2 के बाद, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो न्यू गवर्नमेंट वैकेंसी और वैकेंसी से रिलेटेड पल के अपडेट के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, MTS के कट ऑफ के लिए मैंने सबसे पहले महाराष्ट्र रीजन के कट ऑफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि कौन से कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये है महाराष्ट्र के जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनका लिस्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे। जितना भी वैकेंसी आई थी उतने कैंडिडेट को ये फाइनल मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट किया गया था और यहाँ पे आपका दिया हुआ है फाइनल जो मेरिट बनी थी, कितने कट ऑफ पे जो मेरिट बना था फ्रेंड्स, वो लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं UR का जो आपका UR कैटेगरी का जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में कट ऑफ गया हुआ है 119.5 गया हुआ है। जो OBC का कट ऑफ गया है 104.25 गया हुआ है और जो SC का कैंडिडेट का गया हुआ है 111.50 गया हुआ है। फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में ये नहीं पूछेंगे कि OBC का कम और SC का ज़्यादा क्यों गया है, क्योंकि OBC की वैकेंसी ज़्यादा आई थी और SC की वैकेंसी मतलब कम आई थी, इसीलिए OBC का कट ऑफ 104 गया हुआ है और SC का कट ऑफ थोड़ा हाई 111.50 गया हुआ है। ST कैटेगरी की बात करें तो 70 गया हुआ है, एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 39 है आपका। इंपीरियल कैंडिडेट जो कट ऑफ मार्क्स विजुअल इंपेयर्ड कैंडिडेट PWD के लिए 56.25 या 99.25 अपने हिसाब से देख सकते हैं जो PWD वाले कट ऑफ हैं, और 80.50 इतना कट ऑफ गया हुआ है महाराष्ट्र रीजन का फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अदर स्टेट का कट ऑफ बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि ESIC की तरफ से कभी भी 2012 के बाद MTS के लिए कोई वैकेंसी किसी भी स्टेट के लिए नहीं निकाली गई। ये भी जो कट ऑफ है फ्रेंड्स, वो ESIC की तरफ से 2012 में महाराष्ट्र रीजन के लिए निकाली गई वैकेंसी का कट ऑफ है जो मैंने आपको यहाँ पे शो किया हुआ है। इसके बाद किसी भी स्टेट का कट ऑफ नहीं था, क्योंकि किसी भी स्टेट में वैकेंसी नहीं आई थी फ्रेंड्स। ये 2019 में पहली बार कट स्टेट वाइज MTS की जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए हम एक्सपेक्टेड या सेफ स्कोर का बात कर लेंगे इसी महाराष्ट्र के कट ऑफ को रिलेट करते हुए। सो फ्रेंड्स, अब हम देख रहे थे कितनी स्कोर के लिए हम प्रिपरेशन करें ताकि हमारा जो सिलेक्शन 100% श्योर हो जाए। तो अगर हम बात करें UR के टेगरी की फ्रेंड, तो UR का अगर मार्क्स आप 130+ लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा। OBC की बात करें फ्रेंड्स, OBC में आप 125+ लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा। SC की बात करें तो SC में 120+ अगर आपका आ जाता है मार्क्स तो आप श्योर हो जाएगा, आपका 100% सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। अगर बात करें ST की फ्रेंड, तो ST में आप 115+ अगर लेके आते हैं तो 100% श्योर हो जाइए। और EWS की बात करें फ्रेंड्स, तो EWS में 125+ जो OBC की कट ऑफ रहती है नियरली उसी के आसपास जाता है, तो 125+ अगर लेके आते हैं आप EWS में तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा। सो अब बात करते हैं ESIC के UDC का मेंस में कितना कट ऑफ गया हुआ था 2019 में, कितने नंबर्स पे फाइनल स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। सभी स्टेट के कट ऑफ को हम एक एक करके देखेंगे। तो पहले आंध्र प्रदेश का देख लेते हैं। UR की जो कट ऑफ गई थी 117.5 गया हुआ था, SC की जो कट ऑफ गई थी 96.5 गया हुआ था, ST की जो कट ऑफ गई थी 86 गया हुआ था, OBC में कोई भी वैकेंसी नहीं थी, EWS का जो कट ऑफ गया हुआ था 93 गया हुआ था, PWDA का कट ऑफ जो गया था 64.75 गया हुआ था और एक्स सर्विसमैन का जो कट ऑफ गया हुआ था 76.75 गया हुआ था फ्रेंड्स। सो बिहार का हम देख रहे थे, बिहार के UR के लिए जो कट ऑफ गया हुआ था 121.25 गया हुआ था, SC के लिए 83.75, ST के लिए 78.25, OBC के लिए 117.25 और EWS के लिए 109.25 गया था, एक सर्विसमैन के लिए 92 गया हुआ था फ्रेंड्स। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 109.25, 85.25, 771.25, 102.25 और 96.25 गया हुआ था, आप देखते जाइएगा। ये UR का है, ये SC, ST, OBC और ये आपका हुआ AWS और एक सर्विसमैन है PWD। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या कट ऑफ गई हुई थी दिल्ली का जो फ्रेंड्स कट ऑफ गया हुआ था UR कैटेगरी के लिए 111 गया हुआ था, SC कैटेगरी के लिए 74.25 गया हुआ था, ST के लिए 77.25, OBC के लिए 87.5 और जो EWS का कट ऑफ गया हुआ था फ्रेंड 90.75 गया हुआ था। अगर बात करें गोवा के फ्रेंड, जो गोवा का आप देख सकते हैं यहाँ पे UR का कट ऑफ हो गया, SC ST में कोई वैकेंसी नहीं थी, ये आपका OBC हो गया, ये आपका EWS हो गया। यहाँ से आप एक एक करके देखते जाइए, गुजरात का जो कट ऑफ गया था UR, SC, ST, OBC, EWS, एक्स सर्विसमैन, ये हिमाचल की कट ऑफ रही फ्रेंड्स, ये जम्मू कश्मीर की कट ऑफ रही, इसके बाद झारखंड की कट ऑफ यहाँ दी हुई है, कर्नाटक की कट ऑफ यहाँ पे दी हुई है फ्रेंड्स, आप क्लियरली देख सकते हैं इसको, केरला की कट ऑफ इसके बाद यहाँ पे दी हुई है, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसके बाद आपकी उड़ीसा, पंडुचेरी,
पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या कट ऑफ गई हुई थी, तो 123.25 गया हुआ था यूआर के लिए, एससी के लिए गया हुआ था 91.75, एसटी में कोई वैकेंसी नहीं थी, ओबीसी के लिए 108 गया था, ईडब्ल्यूएस के लिए 106.5 गया था, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 82.25 से लेकर 94 तक गया हुआ था, ईडब्ल्यूएस के लिए 94.25 आपका कट ऑफ गया हुआ था। सो फ्रेंड्स ये रही आपकी फाइनल कट ऑफ और फाइनल मेरिट लिस्ट जो यूडीसी के लिए और एमटीएस के लिए मैंने आपके सामने दिखा दिया है। अब इस बार यूडीसी के लिए सेफ स्कोर कितना रह सकता है मेंस में, तो आप ओनली +10 कर लीजिए सारे स्टेट वाइज, सारे वैकेंसी वाइज +10 आप करके चलिए लेकर तैयारी कीजिए। इस बार कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा है, तो +10 या +15 आप लेकर चलेंगे ताकि आपकी सिलेक्शन 100% श्योर हो सके। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और ESIC की पल पल के अपडेट के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।